हेलो एवरीवन, सो दिस इज नीरज कैसे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का वीडियो जो है क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि मैंने अपने चैनल पे एक फाउंडेशन का कोर्स लाया है जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए। इस कोर्स का वीडियो हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोर्स मैंने डिजाइन किस तरीके से किया है, तो मैंने देखा जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो भी फाउंडेशन कोर्सेस होते हैं उनमें ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो भी बोर्ड लेवल की चीजें होती है वो पढ़ा देते हैं या फिर थोड़ा बहुत हायर लेवल का चीज पढ़ा देते हैं और बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स खत्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्लास 8 से 7 से ही तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की या फिर नीट की, तो उन्हें क्या चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ताकि वो लोग क्लास 8th, 9th या 10th से ही अपने आप को उस लेवल का फील करना स्टार्ट कर दें। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया है जो कि आईआईटी जेईई में ऑलरेडी है। मतलब मैंने यहाँ पे चैप्टर्स का लिस्ट लिखा है, इसमें जब तुम चैप्टर्स का लिस्ट देखोगे तो वो सारे चैप्टर मिल जाएंगे तुम्हें जो कि आईआईटी जेईई में ऑलरेडी है और हमें क्लास 11th एंड 12th में पढ़ना है वो सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेईई लेवल तक तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, क्योंकि क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चे का इतना माइंड का रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होता है कि वो जेईई एडवांस लेवल की चीजों को तुरंत समझ ले। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स में बेसिक से स्टार्ट करने वाले, बहुत ही बेसिक लेवल से, ताकि क्लास 8th के बच्चों को भी हर चीज समझ में आ जाए और उस चैप्टर के हम लोग कम से कम जेईई मेन लेवल तक तो टच करने ही वाले हैं। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो भी जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कभी कभी मैं वो भी बीच में डाल दूंगा और तुम लोग देखोगे कि तुम लोग आराम से बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन कर पा रहे हो। इससे बेसिकली फायदा क्या होगा, मेरा मेन मोटिव क्या है इस कोर्स को स्टार्ट करने का, कि जो भी बच्चे जब 10th के बाद 11th में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें कोई बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है मैथ्स में उन्हें पढ़ना क्या है, किस तरीके से चीजें जाएंगी, क्या क्या पढ़ना होगा, कितना चीज याद रखना होगा, सिलेबस कितना है, कुछ भी ज्यादा बेसिकली आइडिया नहीं होता है उन्हें, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, चिल मार देते हैं थोड़ा बहुत, और जब अचानक से बहुत ज्यादा लोड उन पे बढ़ जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, धीरे धीरे बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बहुत ही पीछे चले जाते हैं। इस कोर्स से तुम्हें फायदा ये होगा, तुम क्लास 8th, 9th या फिर 10th में ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें इस बेसिकली क्लास 11th में जाने के बाद या 12th में जाने के बाद पढ़ना क्या है। और जब तुम क्लास 11th और 12th की क्लास में बैठोगे, किसी भी कोचिंग में या कहीं भी बैठोगे, तुम्हें लग जाएगा कि मुझे ये सारे बेसिक्स तो ऑलरेडी आते हैं हर एक चैप्टर के। सपोज तुमने इंटीग्रेशन वहां पे स्टार्ट किया तो तुम यहां पे बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, बेसिक इंटीग्रेशन तुम्हें आते होंगे। तो जब तुम वहां पे फिजिक्स भी स्टार्ट करोगे, तुमने नीट लिया है, वहां भी जाओगे तो तुम्हें लगेगा मुझे तो बेसिक मैथमेटिक्स आता है, अब मेरे लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं रहा। तो तुम वहां पे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और तुम्हारा रैंक ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा आईआईटी या फिर नीट में। तो बेसिकली चैप्टर का लिस्ट मैंने यहाँ डाल दिया है कि नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट्स, पॉलीनोमियल्स, ये सारे बेसिक्स हैं। इक्वेशंस एंड इक्वेशंस में बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखेंगे। इन इक्वेशंस में बेसिकली इनइक्वालिटी सीखने वाले हैं, बहुत सारे तरीके के इनइक्वालिटी आते हैं, वो सबको सीखेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने वाले हैं। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th तक की नहीं रहेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, सर्कल्स भी पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन में एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला आता है वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ेंगे, इसमें 10th लेवल तक क्या होता है एपी एंड मैक्सिमम आईसीएसई बोर्ड में जीपी होता है, लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा चीजें पढ़ने वाले हैं, एपी, जीपी, एचपी, एएम, जीएम, एचएम, समेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये जो प्लेन ज्योमेट्री वाला सेक्शन है ये बेसिकली बोर्ड लेवल का होगा, बोर्ड में इन्हें पढ़ना होता है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका यूज बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाला है। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस, ये सारे सारे कैलकुलस वाले पार्ट हैं, फंक्शन, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा कैलकुलस हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी टॉपिक बच जाएंगे वो मिसलेनियस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर चैप्टर वाइज, हर एक मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को वीडियो आने वाला है।
और ये जो कोर्स है मुझे लगता है कि बेस्ट एवर ऑन यूट्यूब। ऐसा मटेरियल कोई नहीं देने वाला है फाउंडेशन को, क्लास 8, 9, 10 को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया है। उसके बाद जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे ठीक है वो सारे के सारे फ्री होंगे, साथ में तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे ठीक है। जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे तुम्हें सॉल्व करने होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम्हारा। तो बस अगर इतना देख लिया है तो जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी स्कूल में तुम्हारे पढ़ते हैं 8, 9, 10th में सबको बताओ कि यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है और मचा देंगे हम लोग धमाका के साथ स्टार्ट।